Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं कस्तूरबा नगर में हूं, जो कि ये सोशल मीडिया पे कल से चल रहा है। यही वो जगह है जिस लड़की के साथ, जो कि कहा जा रहा कि बलात्कार हुआ और उसके बाद उसका बाल काटा गया और उसको चप्पल पहना के पूरी गली में घुमाया गया। और इसी रूम में ये आप देख सकते हैं, इस रूम में ही ये जो घटना हुआ है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक तरफा प्यार है। ये जो लड़का है, ये आयुष नाम का लड़का है, जो कि उस लड़की से प्यार करता था और वो लड़की इस चीज़ को मना करती थी। वो लड़की नहीं मानी तो ये जाकर ट्रेन से 12 नवंबर को ये कट गया। उसके बाद इसके घर वाले का कहना है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा का जान चली गई। और तब उस लड़की को पकड़कर इस गली में लेकर आए और इस घर में लाए, बाल काटा गया और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। और मतलब बहुत अनेक तरह से उसको टॉर्चर किया गया। और यही ये रूम है। और मैं यहाँ के जो उसकी लड़की की बहन है उससे बात करूँगा, और उसकी जो मौसी है उससे बात करूँगा, और उसके चाचा से भी बात करूँगा। आखिर ये क्या कहानी है, हकीकत क्या है? और ये दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली राजधानी है। जब इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना घिनौनी हरकत है। मैं जा रही थी अपनी बहन को गेम खेलने के, ये लोग मेरा पीछा करते करते मेरी बहन को उन्होंने पकड़ लिया। अब मुझे बिल्कुल कन्फर्म नहीं था कि ये मेरे पीछे हैं। जब इन्होंने पकड़ा था ना मुझे, तब पता चला था कि हाँ, इन्होंने मेरी बहन को पकड़ लिया था और पकड़ के लाकर ऑटो में ले जाकर वहाँ से यहाँ पे अपने घर पे मारा था। बहुत मतलब लड़के भी थे और लेडीज़ भी थी। लड़कों ने मतलब बहुत गंदी आदत, मतलब बहुत गहरी आदत कर दी थी उनको, मतलब शौच वगैरह पिला दिया, ये सब किया, गंदी हालत भी कर दी थी। कपड़े वपड़े भी उतार दिए थे उसको, गंजी भी कर दिया था, मुंह भी काला कर दिया था और चप्पलों की माला भी पहनाई थी। गली में भी घुमाया मेरी बहन को। मेरा पापा पैरालाइज है, मम्मी मेरी है नहीं, तो मेरी बहन यहाँ पर आती थी देखभाल के लिए। और मतलब लड़का था पड़ोस में, मेरी बहन को फोर्स करता था बात करने के लिए भी, मुझसे बात करो बात करो। मेरी बहन बात नहीं करती थी तो उसके पीछे जान दे दी लड़के ने। मतलब अब उनने खुद दिया अपने से, रेल पर आके खुद कटा है। तो उसके घर वालों ने कहा भी वो लड़का तुम्हारी बहन के चक्कर में रहा, पर कोई प्रूफ नहीं है मेरी बहन का कि किस वजह से मरा है। तो उन्होंने मेरी बहन के साथ ये हाल किया। और ये दो नंबर का काम करते हैं, ये कहते हैं कि हम पुलिस से नहीं डरते। तो किसने मुंह में कालक, किसने पोता? क्या कालक? ब्रीना नाम की लेडीज। वो कौन है लेडीज? वो उनकी मामी लगती है, जो लड़का मरा ना वो उनकी मामी है। और क्या हुआ था, मुंह में काली पोत के कहाँ घुमाया? चौक पे, गली में घुमाया था और चौक पे लेके गए थे। फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी, पुलिस ले गई थी। लोग और विरोध नहीं किए? नहीं, डरते हैं क्योंकि दो नंबर का तो काम वो करते ही है, इसलिए कोई साथ देता नहीं है उनका, क्योंकि वो बहुत वो है ना, अपने को वो मजबूत समझते हैं वो लोग भी, हमारे तरह कोई है ही नहीं। आपने खुद देखा था सर? हाँ जी सर, मैंने खुद देखा था, मैंने दीवार से देखा था अपने। पुलिस ले गई आपकी बहन? कहाँ? मेरी बहन मेरी थाने में है, मेरी बहन थाने। हाँ तो उसको चप्पल का माला भी पहना है? हाँ जी सर, वीडियो भी है। आप तो बताओ क्या हुआ? चप्पल की माला पहनाई गई थी उसको और बहुत मारा था, छोटी छोटी लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हालत उसकी गंभीर कर ली, ताकि वो चल भी ना पाए, ऐसी हालत कर दी थी उसकी। और गलत काम भी किया गया है इसलिए उन्हें सजा दिलवाओ और मेरी बहन का इंसाफ दिलवाओ। और कहाँ पे? इसी घर में काम किया था गलत काम? नहीं नहीं, वो उनके घर में किया था और कुंडी लगा ली थी ना अंदर से, कुंडी लगा ली थी, कुंडी लगा कर। घटना ऐसे हुई है, लड़की कड़कड़डूमा में रहती थी, किराए पे रहती थी। मेरी बहन की लड़की गेहूं देने गई थी, उसके उसके पीछे ऑटो लगा के
उसका पीछा कर रहे, ये रिक्शे पे थी तो लड़की को पकड़ के यहाँ लाए हैं। उसको कुछ तो बाल ऑटो में काटे हैं और कुछ अंदर डाल के उसको करा है, मतलब कि कंडीशन उसकी लड़की की ख़राब करी है, बलात्कार भी करा है, लड़के के बाप ने भी करा, कई लड़के भी हैं। और जी मेरे को तो वहाँ कॉल गई है, जब जाके मैं आ जाई हूँ, लड़की थाने में है। हाँ, लड़की का क्यों ऐसा क्यों किया गया, क्या था लड़की का, मतलब लड़के के साथ ऐसे था कि वो उसके चक्कर था, लड़का ख़त्म हुआ था, लड़की ने एक बार तो लड़के को ला दिया वापसी, साथ गई थी ट्रेन तक, वो जो रेलगाड़ी के मतलब वो क्या कहते हैं जो वो नहीं है स्टेशन, वहाँ तक पकड़ के ला दिया, फिर दोबारा लड़के ने खुदकुशी मर्जी से करी है। एक तरफा मतलब एक तरफा प्यार था। हाँ हाँ, एक तरफा था। तो वो तो अचानक उन्होंने हमला करा कि लड़की पे भी करा और मेरे भी कुछ दिन पहले करा था मेरे पे भी। तो जो लड़का मर गया है, हाँ जी, उसकी फैमिली ने किया ये सब? हाँ, उसकी फैमिली नहीं करा सर जी। हाँ, उसके लड़के के फैमिली ने करा। और ये लड़की पहले से शादीशुदा है? हाँ, लड़की शादीशुदा है, लड़का है इसका एक साल का लड़का है। लड़के उनका शक है कि इसके वजह से वो लड़का मरा? हाँ, शक है पूरा, जब ही तो उसके बाल काटे हैं, उसको कपड़े फाड़े हैं, उसके बलात्कार कराए हैं, हैं अंदर डाल के लड़की को, लड़के खूब बेल्टों से मार रहे हैं, पेशाब पिलाया है, गिलास में खुद देखा है वीडियो में सर जी, मैं झूठ कैसे समझे। वीडियो कहाँ है इसके पास? वीडियो फोनों पे छोड़ी थी, उन्होंने छोड़ी थी, लड़की को मार रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, वीडियो भेजी है उन्होंने लड़की को, फेसबुक पे सब जगह छोड़ी, उन्होंने छोड़ी हुई है वीडियो, पहले हमारे पे आई है वीडियो, लड़की को गंजी करके पूरे चप्पलों की माला डाल के पूरी गली में घुमाया है, पहले अंदर डाल के उसको कपड़े उपड़े फाड़ के कुछ गलत काम करके फिर उसको पूरे मोहल्ले में घुमा के फिर पुलिस आती है, वो भी किसी ने मोहल्ले में घुमाया। हाँ, इसी मोहल्ले में घुमाया है। कोई विरोध नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं किया, कोई किसी ने सवाल नहीं उठा सका, किसी ने कॉल करी है कि जब पुलिस बाद में आई है, जब लड़की को थाने लेके गए, अब थाने में ही थी लड़की, जब तक हमने कॉल करी थाने में थी, लड़की की कंडीशन ख़राब चल रही थी, क्योंकि लड़की सीरियस चल रही थी, उन्होंने बहुत बुरा हाल करा है। लड़की कहाँ? लड़की वहीं है, कोर्ट में है लड़की, हाँ थाने में है लड़की, रात की वहीं है थाने में, लड़का घर है, छोटा लड़का घर पे है। तो पुलिस वालों ने जिसने किया उसको पकड़ के ले गया सब? हाँ, आधे जने आ गए हैं, आधे पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि ढूंढ रहे हैं उनको, गाँव में कहीं कहीं छुपे हुए हैं, सब भाग गए जी। इसमें सोशल मीडिया में दिख रहा है एक लेडीज ने उसको गले में मार रही है और गले में चप्पल पहना, वो कौन है लेडीज? उसकी बुआ है, बुआ है। जो लड़का मरा था उसका क्या नाम था? आयुष, आयुष था। क्या हुआ था पूरा घटना जो लड़की के साथ उसका मुंह में कालिक पोत के, मैंने देखा एक सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ जी, आप पड़ोस में एक लड़का रहता था, तो पहले वो लड़की शादीशुदा है हमारी, वो शादीशुदा है, वो सीमापुरी में रहती है, पास में ही रिश्तेदारी है दिल्ली के अंदर ही। तो वो लड़की पापा के बेड पे हैं, एक्सीडेंट हो रखे हैं, तो उनको देखभाल के लिए आती थी, तो लड़का पीछे लग गया था, तो लड़के ने वो कहता था मेरे से प्यार करती है तो मेरे से शादी कर, लड़की का लड़का हमारी गुड़िया का लड़का भी है, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, तो उस पीछे लगता धमकियां देता था, भाई मैं मर जाऊंगा अगर तूने मेरे से शादी नहीं की। तो लड़की आती थी अपने पापा को देखने देखभाल के लिए, क्योंकि हमारी भाभी एस्पैरो रखी है, तो वो दोनों बहनें, दो बहनें हैं, और वो दोनों देखती थी अपने पिताजी को। उसके बाद वो खुदकुशी कर चुका लाइन के ऊपर जाके, तो लड़की का आरोप लगाते हैं भाई लड़की ने मारा है इसको धक्का दे के, तो वो हमको धमकी देते थे मारने की कूटने की, लड़की फिर वो डरती आती नहीं थी। फिर लड़की ने जहाँ रहती थी ससुराल में, वहाँ से कमरा चेंज कर लिया था अपना, तो चेंज करने के बाद ये कहते थे हमारे को, लड़की छोटी लड़की को धमकी देते थे आके, भाई तू हमको एड्रेस बता दे तो हमें पकड़वा दे, तो हम तेरे को या तो हम, अगर तू नहीं पकड़वाएगी तो हम तेरे को मारेंगे, तेरे साथ गलत काम करेंगे, रेप करेंगे तेरे साथ।
तो उसके बाद कल की घटना ये है जी, मैं यहाँ पे आया लड़की के पास, मैं चाय पी रहा था तो लड़की नीचे अपने पापा को नहला रही थी, क्योंकि डाइपर डूइपर चेंज करते हैं, क्योंकि बेड से उठ नहीं सकते। तो लड़की को कहते हैं हमें, भाई हमें लड़की को एड्रेस दे दो, लड़की का एड्रेस दो। तो लड़की का एड्रेस मांग रही थी, लड़की कहती मेरे को नहीं पता, आप कड़कडूमा में लड़की रहती है, बहन रहती है, वहाँ जाके ढूंढ लो, मुझे एड्रेस नहीं पता। तो लड़की को कहते हैं वह हम तेरे को मारेंगे और तेरे को छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे को ख़त्म कर देंगे, गलत काम करेंगे तेरे साथ, लड़कों के साथ। तो फिर लड़की ने डरते ने कह दिया भाई मैं आज गेहूँ देने जाऊँगी। तो लड़की गेहूँ दे मेरे को जब बताया लड़की ने भाई गेहूँ देने जाऊँगी, तो मैं बैठा था तो लड़की चुपचाप चली गई मेरे को बिना घर से। फिर मैं बैठा था तो फिर मेरे को कहते हैं भाई मेरे को धमकी दी हम तेरे को मार देंगे, लड़की कहाँ गई है बताओ। मैं कहा मेरे को नहीं पता लड़की कहाँ गई है, मुझे बता के नहीं गई लड़की ने। फिर इन्होंने मेरे को धमकी दी भाई तेरे को मारेंगे, इन्होंने मेरे को साथ लिया ऑटो पे बिठाया, तो लेडीज़ भी थी 4-5, मुझे धमकी दी मार देंगे, ख़त्म कर देंगे तेरे को अगर तूने नहीं बताया। तो मैं इनके साथ हो लिया, लड़की का इन्होंने पीछा करा ऑटो से, तो लड़की को करके, लड़की तो अकेली जा रही थी। जब वो गेहूँ लेने लड़की आई सड़क पे कड़कडूमा पे, तो वहाँ पे लड़की को घेर लिया उन्होंने, पकड़ के मारा कूटा और फिर वहाँ पे रस्ते में से गाड़ी में बैठा के लेके आए हैं नगर के अंदर। तो बाल काट दिए गाड़ी के अंदर। किन लोगों ने बाल काटा जी? जो लड़के वाले हैं जी, जिससे शादी हुआ था? नहीं, जो लड़का पीछे लगा हुआ था शादी वाला। नहीं जी, जो लड़का उसके पीछे लगा। हाँ, तो बाल इसी जगह पे काटा? नहीं जी, रास्ते में भी काटे गए, फिर यहाँ पे ला के कमरे के अंदर बंद कर दिया था। इस कमरे में? नहीं, पड़ोस में ही है जी। अच्छा, पड़ोस का लड़का था। तो लेडीज कौन मार रही थी चप्पलों से, वो कौन है? लेडीज जी एक बेबी थी, नाम बेबी न है, जो उन लड़के की चाचियाँ थी। उस लड़के हाँ, की तरफ से मारा? हाँ, लड़के की तरफ से मारा गया है। अभी जो लड़की कहाँ है? लड़की इस टाइम थाने में है, थाने में। महिला समिति में। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस के बाद कल घटना कमरे के अंदर बंद किया गया लड़की को। पूरी घटना सुनो ना आप। तो कमरे में बंद, वहाँ से ला के कड़कडूमा से यहाँ पे कमरे में बंद किया गया है। फिर उसके सिर के सारे बाल गंजी कर दी लड़की को। तो लड़कों ने गलत काम भी किया, रेप किया लड़की के साथ इसी कमरे में। हाँ, लड़की वालों ने। और उसके बाद लड़की का मुंह काला करके नगर के अंदर घुमाया गया है और जूतों की माला पाई गई है। फिर लड़की, छोटी लड़की ने फिर बाद में कॉल करके फिर पुलिस को, किसी का पड़ोस का फ़ोन लेके कॉल करके फिर पुलिस आई। तो पुलिस वालों को भी कहते तो हमारा क्या बिगाड़ लेगी पुलिस, पुलिस के ऊपर भी है बोलने लग गए। फिर वो पुलिस चली गई, फिर दोबारे आई पुलिस तो फिर उनको पकड़ के ले गई। और यहाँ के लोग विरोध नहीं किया जब? जी, विरोध किसी ने साथ, जो साथ देता था उसको मारते थे वो लोग। जो लड़की है उसके मैं चाचा से भी बात किया और उसकी बुआ से भी बात किया और उसकी लड़की से भी मैंने बात किया। आखिर ये असली कहानी क्या है, आपने देखा भी होगा। बने रहिए मौजो स्टोरी के साथ, मैं हूं मदन लाल। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.